झज्जर जिला परिषद में कमल खिला है, काफ़ी मेहनत और मशक्कत लगनी पड़ी और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की जो कुशल रणनीति थी वो कामयाब हुई और कप्तान सिंह बरधाना पर कहीं ना कहीं जिले की जिम्मेवारी दी गई। जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं जनाब, ज़बरदस्त रणनीति और उसके बाद में कप्तान के सिर पर ज़िले की कप्तानी, किस तरह देखेंगे? देखिए, मेरे से खुश अब कोई नहीं होगा। अभी बहादुरगढ़ में चुनाव हुए, हमने दो जिला महामंत्री बनाए थे मेरे संगठन में। अश्विनी शर्मा जो है वो नगर पार्षद बने और दूसरे जो महामंत्री कप्तान बिरधाना वो पहले जिला पार्षद बने और आज चेयरमैनी की कमान कप्तान के पास है। और ये यूं भी ये मान के चलें कि मेरा गांव जो है वो इन्हीं के वार्ड में आता है, तो ये खुशी जो है ये और दुगनी हो जाती है कि जिले की जो कप्तानी है वो घूम फिर के मेरे वार्ड में आई है। तो ये मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक बात रही रणनीति की, तो रणनीति में हम यकीन नहीं करते, हम जननीति में यकीन करते हैं। और जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ और सबका विकास की नीति है और माननीय मनोहर लाल जी सबका विश्वास भी, और माननीय मनोहर लाल जी और धनखड़ जी का तो हमें मतलब, मैं इस बात को मैं कहना चाहूँगा कि अभी पिछले ही दिनों में 11:30-12 बजे जो है मैंने कॉल किया धनखड़ जी को, 2-3 कॉल किए और सुबह उनका 5:30 बजे कॉल बैक आ गया था। और कुछ नहीं, सीधा हेलो बोलने से पहले भी माननीय धनखड़ जी ने कहा था कि भाई सो गया था, नींद जल्दी आ गई थी कल। तो इतने अच्छा नेतृत्व हमें मिला है जो पूरे एक पूरे प्रदेश को जो है वो परिवार की तरह बांध के वो चलते हैं, उतना अच्छे तरीके से हमें वो मार्गदर्शन करते हैं। मार्गदर्शन का पूरी तरह से मॉनिटरिंग थी, आप बता रहे हैं कि रात को 12 बजे वो ऑन थे और 5:30 बजे। संगठन की बातें होती है, ये कोई इसकी मॉनिटरिंग की बात नहीं हो रही है। खुद का गृह जिला भी था संगठन की जो बहुत सारी बातें होती है। 25 तारीख को ये सब चल भी रहा था, 25 तारीख को इतना बड़ा कार्यक्रम था, अटल जी की जयंती थी, मन की बात का कार्यक्रम था, तो वो संगठन के विषय के जो है मतलब इतना नहीं होता कि पहली घंटी में ही वो फ़ोन उठाते हैं और मार्गदर्शन, भाई उनका अपना जिला है तो हम उनके लाडले हैं, तो ये ध्यान वो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान करते हैं। और उनका इनका ये रहता है कि कम से कम जो मैं बात आदेश देता हूँ, झज्जर जिला सबसे अग्रणी होना चाहिए, तो वो काम हम भी आगे बढ़ के उस चीज़ को करते हैं। और खुशी है कि उनके मार्गदर्शन पे और ये जितने भी जीते जो हैं वो लगातार कितने आश्वस्त थे अध्यक्ष जी, अब जिला अध्यक्ष और जिला के चेयरमैन, अब ये जो जुगलबंदी है वो कहीं ना कहीं जिला की जो 4 विधानसभा है, जैसे इन्होंने कहा कि 2024 जो टारगेट रहेगा, मैंने वही कहा आपको कि जो लगातार जो धीरे धीरे जो हम इस चीज़ को हर जगह भगवा लहराते जा रहे हैं, जो 6 हमारी ब्लॉक समितियाँ थी, ब्लॉक समितियों में जो है 6 आ चुके हैं, सारे के सारे भगवा रंग में रंगे हैं। एक जो है वो 2-3 दिन में बहादुरगढ़ में होने वाला है, उसमें भी पूरा हमें उम्मीद है, बल्कि मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, मैं वो आजकल लिख के देने लगे हैं लोग, मैं लिख के दे सकता हूँ। तो मैं बहादुरगढ़ में भी भगवा, वो फार्मूला फेल हो गया जनाब, अब लिख के देने वाला जो फार्मूला है वो गुजरात में फेल, हमारा नहीं हो रहा, उनका गुजरात में तो हमने लिख के दिया था। तो वो सारी चीज़ें हैं और बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। माननीय प्रभारी जी हमारे जो है वो साथ हैं, बहुत ही मेहनती, बहुत ही जुझारू, दिन रात एक करने वाले प्रभारी जो है महेश चौहान जी हमें मिले हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। संगठन के एक एक कार्यकर्ता का मैं धन्यवाद करता हूँ जो इस मिशन में लगा हुआ है। और मिशन ये नहीं कि कप्तान बिरधाना को चेयरमैन बनाना है, मिशन ये है कि हर पूरे देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी की जो लहर वो बनाने का काम करना है। जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से अपने देश को विश्व में आगे बढ़ा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि घर घर में जो है भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरे और हर घर से ये आवाज़ आए कि इस बार 2024 में 90 की 90 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत गया है। कप्तान जी, जिले की कप्तानी प्रभारी हमारे साथ है चौहान साहब, प्रभारी की बड़ी अहम जिम्मेवारी हो जाती है, लोगों को बांधना जिम्मेवारी हो जाती है, वोटर तक पहुंचना जिम्मेवारी हो जाती है, उसके बाद में जब चेयरमैन आप ही के नेतृत्व में बन जाता है तो खुशी होती है, और आगे जब हाईकमान को जब आप जवाब देंगे तो बड़ा सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा कि जी आपने जो ड्यूटी दी थी वो मैं पूरा मुकम्मल कर चुका हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता हो बहुत ही संस्कारित, बहुत ही समझदार कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं। हमारे जो भाजपा के जो हमारे पार्षद बने थे, हमने उन्होंने पहले दिन हमें आश्वस्त किया था कि भाई साहब चेयरमैन हमारा बनेगा। मैं एक बात उसमें दोबारा कहना चाहता हूँ कि कप्तान जी का गांव इस वार्ड से दूर था,
कप्तान जी को संगठन की रीति नीति के अनुसार, संगठन की एक राजनीतिक कारण उनको भेजा कि भाई आपका वार्ड जर्नल है तो आप 17 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी जनता दल था हमारी जो दोनों दल गठबंधन दोनों मिलके आपको चेयरमैन बनाएंगे। चेयरमैन के चुनाव की शुरुआत हमने वहाँ से की थी 17 नंबर वार्ड से। और ये संगठन में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है वो खुद का हित नहीं, वो जनता का हित चाहती है। आज आप देखिए कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी, आज हमें 13 का आंकड़े पर हम पहुँच गए। विपक्षी दल जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, दीपेंद्र हुड्डा का गढ़ है, वो डायरेक्ट सुपरविजन कर रहे थे इस जिला परिषद के चुनाव में, आज वो कहाँ है। 5 मात्र वोट उनको मिली है, वो 8 लेके पहाड़ों में घूम रहे थे, आज उनके पास 5 है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का नारा है वो हर एक पार्षद जानता है, आम जनता जानती है। जनता ने लोगों को भेजा कि भारतीय जनता पार्टी के पास जाइए, उनका चेयरमैन बनाइए। जी कप्तान जी, जिले की चेयरमैनी मिली कप्तान सिंह बिरधाना के तौर पर, एक नया कप्तान मिलेगा और अब ज़िले में जो विकास कार्यों की आप लोगों ने कहा, क्या अब वो विकास कार्यों की जड़ी लगेगी जनाब? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़िले की चेयरमैनी का जो दायित्व तो मुझे मिला है, इसमें सही मायने में जो हमारा पार्टी का जो संगठनात्मक जो ढांचा रहा है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी उनके कुशल नेतृत्व में, उनकी जो टीम, जिले की जो टीम थी, माननीय प्रभारी जी हमारे बीच में बड़े बड़ी तरीके से और बड़े एक सिस्टम से जो लगे हुए थे इसे पूरे काम के देख रेख में, हमारे जिला अध्यक्ष विक्रम कादयान जी और सभी जितने पार्षद हमारे साथ थे, जितने भी पार्षद बने हुए थे, उन्होंने सब ने एक तरफा एक ये फैसला लिया कि मैं कैसे आदमी को जिले का नेतृत्व देने का काम करें जो सही मायने में लोगों का भला करने की सोच रखता हो और जो सही मायने में लोगों के बीच में रहता हो। राजनीतिक गुरु अगर कहते हैं तो ओम प्रकाश धनखड़ को कप्तान सिंह बिरधाना मानते हैं। गुरु मंत्र क्या दिया आपको? उन्होंने एक रामायण की एक चौपाई सुनाई थी कि गठबंधन का धर्म भी निभाना है, शालीनता बरकरार रखनी है और उसके बाद जो विकास कार्य हैं उनको भी, तो ये सारी चीज़ें हैं वो एक साथ बांधनी होगी। उसके बाद में जो ज़िले में जो 4 विधायक, आपने जैसे कहा कि 2024 एक टारगेट होगा क्योंकि 4-0 से आप लोग पिछड़ रहे हैं और अब 4-0 से कहीं ना कहीं लीड कर रही है, यानी 8 गुना आपको मेहनत करनी होगी। कप्तान सिंह बिरधाना क्या समझते हैं? देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष का जो हमें नेतृत्व मिला, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो उन्होंने गुरु मंत्र दिया, हमें सदा देते हैं, पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में देते हैं कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजनीति में काम करें, आपके काम के तरीके से लोग खुश होने चाहिए, उसके साथ साथ जो विकास की जो नीतियां हैं, सरकार के नुमाइंदे हो, सरकार में आप रहते हो तो आपका दायित्व है कि जो मूलभूत सुविधाएं जो लोगों की है उनको आप प्रोवाइड कराएं, उनको पैदा करके उनको उनका निवारण करें, ये हमारे जो प्रतिनिधि है उनका दायित्व है। और वैसी गुरु मंत्र पर हम चलते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों की समस्याओं का निवारण करेंगे और जो हमारा दायरा है जिला परिषद का उसमें लोगों को संतुष्ट करने का काम करें। ये मिथक भी तोड़ दिया कि राजा का बेटा राजा होगा, एक नॉर्मल कैंडिडेट आता है वो पार्षद लड़ता है और उसके बाद उसे चेयरमैन बना देते हैं। जो भारतीय या अन्य जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं राजा का बेटा राजा होगा, अन्य जो लीड होगी, बड़ा नेता को ये जिम्मेवारी दी जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से नेता को चेयरमैन तक पहुँचाया, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है, यहाँ कब कौन क्या बन जाए किसी को पता नहीं, बशर्ते कि वो अपने दिल से, अपने मन से, अपने तन से, अपने धन से, लगन के साथ भारतीय जनता पार्टी का दायित्व जो मिला है उसको निभाने का काम करें, अपनी ड्यूटी निभाए, लोगों के बीच में अपनी जगह बनाए, लोगों के दुख तकलीफ में रहे और उस पार्टी उस कार्यकर्ताओं को कभी अनदेखा नहीं करती और जब समय आता है तो उसको मुकाम पर पहुँचाने का काम करती है। जिले के लिए एक संदेश, जिले के लिए एक संदेश है कि आज पूरे ज़िले को इस जीत की बधाई, एक नया चेयरमैन जिले झज्जर को मिला है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से, तो हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से एक पारिवारिक तौर पे जो मेरा हमेशा से करवैया रहा है कि मैं लोगों के दिलों में जगह बनाता हूँ, तो चेयरमैन के नाते भी मैं लोगों के बीच में जाऊँगा और लोगों को प्यार प्रेम के साथ अपना बनाने का काम करूँगा। जी मनीष जी, क्या कहेंगे, जीत हुई है कप्तान की? बहुत हमें आज बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि भाई कप्तान जी का गाँव भी मेरे वार्ड के अंदर नहीं लगता था और ना ही इनका विधानसभा लगता, क्योंकि झज्जर विधानसभा लगता है और गांव इनका बिरधाना है, लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष के आदेश के अनुसार जब हमने बिरधाना को दुजाना के अंदर लेकर के हमने इस चुनाव में लड़ा इसको और पूरे वार्ड ने हमारे को 36 बिरादरी ने जो हमारे को सहयोग दिया उसके लिए मैं पूरे वार्ड का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व से
हफ्तों के अंदर जो आज हमें एक जो पहले वादा किया था प्रदेश अध्यक्ष जी ने कप्तान को चेयरमैन बनाएंगे को जीता करके लियाओ, और पूरे वार्ड ने हमारे जो तन मन धन से जो हमारी मदद की और कप्तान को जो जिताया, आज प्रदेश अध्यक्ष ने जेजेपी के हमारे जो जिला अध्यक्ष राकेश जी हैं या हमारे डिप्टी सीएम है दुष्यंत जी, इन्होंने जो एक वादा किया था अपनी सोच और नीति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का जैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जेजेपी का, उसी तरह से यहाँ भी हमारा चेयरमैन और जेजेपी का वाइस चेयरमैन बनाने का जो काम किया है, मैं पूरे प्रदेश को और पूरे झज्जर जिला की टीम को बधाई देता हूँ। हमारे साथ संजय यादव हैं, वो बात करेंगे। जनाब लगातार आप कहीं ना कहीं कप्तान के साथ थे, रणनीति बनाई होगी, किस तरह देखते हैं इसी? देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, उस चैनल के सब्सक्राइब जितने भी मेंबर्स हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ना लोगों को मन में ये है कि एक बीजेपी जेजेपी एक्चुअली क्या है, ये सगे भाई बहन की तरह हैं, एक दोस्त की तरह हैं, एक परिवार की तरह हैं। और जब एक परिवार बैठ के जब बातें करते, एक परिवार में जब समझौता, एक परिवार एक आगे चलने की कोशिश करता, तो मुझे पता है कि वहाँ सक्सेस जरूर मिलती है। जीत के लिए आश्वस्त है जरा? हाँ देखो, जहाँ भी हम गए हर जन जन ने हमें आशीर्वाद दिया, हर किसी ने हमें आशीर्वाद दिया कि भारतीय जनता जो पार्टी जो है वो एकता की पार्टी है। यहाँ पे किसी और देखो वो नहीं दिया जाता, किसी को भाई अमीर गरीब भी नहीं देखी जाती। यहाँ पे पार्टी कार्यकर्ता पता नहीं कब किसको कहाँ उठाकर कहाँ बैठा दे, ये जनहित की पार्टी। धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी। बहुत ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष केशव सिंघल हमारे साथ हैं, जिला परिषद के चेयरमैन ही कप्तान को मिली है, उन्होंने लगातार उनके साथ मेहनत की है और जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं कामयाब है। जनाब लगातार आप मेहनत कर रहे थे और अब फिर से जिला परिषद चेयरमैन में भी कमल खिला, क्या कहेंगे? बस अब जनता जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यों से बिल्कुल खुश है। जहाँ तक नगर परिषद का सवाल था, नगर परिषद में 100% बहुमत मिला। अब जहाँ इसका चुनाव का है जिला परिषद का, आदरणीय हमारे भाई कप्तान प्रधान जी को बहुमत से चेयरमैनी का पद मिला है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ नए साल में अब सभी मिलकर जहाँ तक जिले के सवाल है विकास कार्य और तेज होंगे और शहर में विकास कार्य कराए जाएंगे। बात कर